नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि ये 20 फिट बाई 30 फिट का प्लॉट है और इस प्लॉट से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि हमने एक घर का नक्शा बनाया हुआ है। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि 20 फिट बाई 30 फिट के प्लॉट पर आप एक अच्छा घर किस तरीके से बना सकते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये 20 फीट बाई 30 फीट यानी कि 20 फीट बाई 30 फीट का हाउस प्लान है और ये घर का मेन गेट है। यहीं से आप घर के अंदर प्रवेश करोगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको गेस्ट रूम मिलेगा। यदि हम गेस्ट रूम के साइज़ की बात करें तो 9 फीट 1 इंच बाई 6 फीट है। 9 फीट 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 6 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि गेस्ट रूम में वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक विंडो दी गई है और गेस्ट रूम में आने जाने के लिए यहाँ पर डोर दिया गया है। नेक्स्ट, यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि ये बरामदा है। यदि हम बरामदे के साइज़ की बात करें तो 9 फीट 1 इंच बाई 15 फीट 9 इंच है। आप देख सकते हैं कि 9 फीट 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 15 फीट 9 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। और इसी बरामदे में आप देख सकते हैं कि घर की स्टेयर है यानी कि छत पर आने जाने के लिए सीढ़ी दी गई है। आप इस तरफ से सीढ़ी पर चढ़ना स्टार्ट करेंगे और इधर से होते हुए आप सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ओपन है, गेस्ट रूम से सटा हुआ। आप देख सकते हैं कि घर का WC और बाथरूम है। और यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो 9 फीट 1 इंच बाई 3 फीट 7 इंच है। 9 फीट 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 3 फीट 7 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। और ये घर का किचन है। यदि हम इसके लोकेशन की बात करें तो भाई साहब ये बिल्कुल ओपन किचन है, जिसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 5 फीट 8 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 5 फीट 4 इंच है। यहाँ पर किचन का प्लेटफॉर्म हो जाएगा और दीवारों पर आप छोटी छोटी अलमीरा बनाकर किचन में जो भी चीज़ें उपयोग होती हैं उसकी स्टोरिंग की जगह आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी दीवार पर आपका किचन हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि हम किचन से आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि ये घर का रूम है। ये पहला बेडरूम है, ये दूसरा बेडरूम है। यदि हम बेडरूम के साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 9 फीट 1 इंच बाई 12 फीट है। 9 फीट 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 12 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। और बेडरूम में आने जाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डोर दिया गया है और यहाँ पर एक विंडो दी गई है। ठीक है, और फर्स्ट बेडरूम से सटा हुआ ये घर का दूसरा बेडरूम है। यदि हम दूसरे बेडरूम के साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 9 फीट 1 इंच बाई 12 फीट है, यानी कि 9 फीट 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और इसके साथ साथ 12 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। और दूसरे बेडरूम में आने जाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डोर दिया गया है और यहाँ पर एक विंडो दी गई है। तो यहाँ पर हमने आपसे प्लान से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी और इसके साथ साथ इस प्लान में आप देख सकते हैं कि कॉलम की लोकेशन दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि इस 20 फीट बाई 30 फीट के प्लॉट में टोटल कितने कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके साथ साथ 10 11 12, यानी कि टोटल 12 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। और 12 कॉलम होंगे तो जाहिर सी बात है कि 12 ही फाउंडेशन होंगे। और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए पूरा दिख रहा है, इस समय आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।